करुणा बहती सागर जैसी गहराई है, नब जैसा विशाल निश्चल मन, पर्वत जैसी ऊंचाई है। जी हाँ, ऐसा ही व्यक्तित्व है हमारी आदरणीय उषा बहन का, जो हमारे बीच पधारे हैं। हम आपका तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। आध्यात्मिक क्रांति दूत उषा बहन सीनियर राजयोग मेडिटेशन टीचर, मैनेजमेंट ट्रेनर, कॉन्फ्रेंसेस स्पीकर एवं लेखिका भी हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के पश्चात आप 1980 में इस ईश्वरीय सेवा में समर्पित हुई। 1980 से 1992 तक आपने बॉम्बे एवं हैदराबाद के अनेक सेवा केंद्रों पर सेवाएं दी और वर्तमान समय आप ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर माउंट आबू में सेवारत हैं। प्रखर बुद्धि एवं प्रभावशाली वाणी की स्वामिनी उषा बहन ने देश विदेश में अपने दिव्य उद्बोधनों एवं अनुभवों से अनेक आत्माओं को आत्मानुभूति एवं ईश्वरा अनुभूति का मार्ग बताया। अनेक यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, मेडिकल एंड मैनेजमेंट एसोसिएशंस, सोशल ऑर्गेनाइजेशन एवं कॉरपोरेट सेक्टर्स में भी आपने हजारों की संख्या में उद्बोधन दिए हैं। आपके वक्तव्य जी जागरण, आस्था एवं संस्कार, ईटीवी राजस्थान आदि चैनल्स पर समय समय पर प्रसारित किए जाते हैं। तो मैं अनुरोध करती हूँ उषा बहन से कि वे आज का ही जो हमारा सत्र है लीडरशिप एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज विषय पर प्रकाश डाले। आदरणीय उषा बहन। ओम शांति। आज आप सभी के बीच उपस्थित हो करके आज के विषय पर कुछ शेयर करने का यह सुअवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं स्वयं को भी धन्य समझती हूँ। कहा जाता है कि इंसान का जब जन्म होता है तो वह अपनी तकदीर लेकर के भी आता है, परंतु फिर यहाँ जन्म के बाद जैसे जैसे अपनी क्षमताओं को विकसित करता जाता है, उन क्षमताओं को विकसित करने के आधार पर वो अपने आप में कुछ ऐसा जीवन में बन जाता जिसको दूसरे शब्द में हम लीडर कहते हैं। लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लेकिन अपनी क्षमताओं को विकसित करके वो बन जाते हैं। हर एक के अंदर वो विधि जरूर है क्षमता को बढ़ाने की, सिर्फ उस सीक्रेट को हम समझ लेते हैं तो व्यक्ति आज के युग के अंदर भी महानता के शिखर पर पहुंच जाता है। जीवन के अंदर अवसर हर एक को प्राप्त होते हैं, वो अवसरों को पहचान करके कितना हम उस चुनौती को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं और अगर उसका प्रतिउत्तर सकारात्मक ढंग से दिया जाता है तो वो व्यक्ति महानता के शिखर पर आराम से पहुंच जाता है। लेकिन समय एक तीव्र परिवर्तन का है और इसलिए समय हमसे भी एक परिवर्तन की चाह रख रहा है। कहा जाता है कि संसार के अंदर तीन प्रकार के लोग होते हैं। पहले प्रकार के लोग हु मेक थिंग्स हैपन, जो कुछ करते हैं और मार्ग बनाते जाते हैं दूसरों के लिए। दूसरे प्रकार के लोग हैं जो उस रास्ते पर चलने वाले, फॉलो करने वाले होते हैं, जिसने मार्ग बनाया
उसको फॉलो करने वाले होते हैं। और तीसरे प्रकार के लोग ऐसे हैं जो नींद से उठ करके पूछते हैं, आज कुछ हुआ? कहने का भाव के इतने अनजान है कि उनके आसपास सारी दुनिया एक परिवर्तित होती जा रही है और उन्हें महसूस भी नहीं होता है क्या परिवर्तन हो गया। शाम को उठ करके वो न्यूज़पेपर उठा करके देखते हैं क्या हुआ, देखे तो सही, यानी तब उनकी तंद्रा टूटती है। तो ये तीन प्रकार के लोग समाज के अंदर है। हम किस कैटेगरी में आते हैं? आर वी द वंस हु मेक थिंग्स हैपन? यस। और आर वी जस्ट द फॉलोअर्स? और आर वी सो इग्नोरेंट कि हम सब उठ करके पूछते हैं क्या हुआ, पता ही नहीं चला। तो अगर लीडर्स है, पहले प्रकार के व्यक्ति है, तो समय के हिसाब से हमारा रिस्पॉन्स किस प्रकार निकलना चाहिए, समय की मांग क्या है उसको समझना जरूरी है। वो समय की मांग जो हमें कहती है, क्योंकि जब भी कोई घटना आती है सामने, वो घटना, वो समय हमसे एक प्रति उत्तर की मांग करती है, एक रिस्पॉन्स डिमांड करती है। और इसलिए जब ये प्रति उत्तर की मांग होती है, तो ये प्रति उत्तर कहाँ से निकलता है? ये हमारे व्यवहार से निकलता है, बिहेवियर से। सो इट इन्फ्लुएंसेस द बिहेवियर। और ये बिहेवियर जिस क्वालिटी का निकलता है, वो उस घटना में जाकर के शामिल हो जाता है, इट फीड्स इनटू द इवेंट। ये चक्र है। अब मानो कि जब कोई घटना या समय आती है, आता है, और उस वक्त प्रतिउत्तर देने समय हम गुस्से में आ जाते हैं और नेगेटिव भावनाएं मन के अंदर पैदा होती है। अब वो नेगेटिव भावनाएं जो व्यवहार रूप में निकलती है, कोई ना कोई गुस्सा, चिड़चिड़ापन के रूप में बाहर आती है। अब वो गुस्सा या चिड़चिड़ापन जाकर उस घटना में, उस समस्या में, परिस्थिति में, समय में शामिल हो जाती है, तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? उलझेगी, सुलझी तो नहीं। और जब सुलझी नहीं, तो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। दोबारा उसने एक रिस्पॉन्स मांगा, क्योंकि सुलझी नहीं। सो अगेन इट डिमांड्स अ रिस्पॉन्स। और ज्यादा गुस्सा आया, और वो गुस्सा जब व्यवहार से बाहर प्रकट होता है, फिर वो जाकर के शामिल हो जाता है, तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? और उलझेगी। और इस प्रकार से ये उलझते 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 एक ऐसा स्वरूप ले लेती है जिसको कहा जाता है कि राई का पहाड़ हो गया। वो घटना पहले राई जैसी थी, लेकिन क्योंकि प्रतिउत्तर देना आया नहीं, इसलिए ये पहाड़ बना। ये बनाया किसने? हमने बनाया। लीडर्स कैसे प्रतिउत्तर देते हैं? और एक बार ये नेगेटिव साइकिल में चला गया, उसके बाद उसको पॉजिटिव करना बहुत कठिन होता है। क्योंकि अगर उसके बाद महसूस भी हुआ कि थोड़ा शांति से अगर करते थे, प्रतिउत्तर देते थे, व्यवहार करते थे, तो अच्छा होता था, लेकिन अब टू लेट, क्योंकि उस वक्त फिर बीच में ईगो आ जाता है और ये ईगो पॉजिटिव होने नहीं देता है।
क्योंकि नहीं तो लोग क्या कहेंगे? लोग कहेंगे देखा अब ठिकाने आया ना, इसलिए फिर पॉजिटिव होना बहुत मुश्किल है। लेकिन लीडर्स की डेफिनेशन क्या है, कोई बताए लीडर किसको कहा जाता है? हु इज अ लीडर? लीड विथ एग्जाम्पल और हु हैव फॉलोअर्स। और अगर कोई फॉलोअर ही नहीं मिला तो लीडर इज द वन। बहुत सुंदर किसी ने डिफाइन किया है। यस, लीडर इज हु टच द माइंड एंड इग्नाइट द माइंड एंड टच द हार्ट। अच्छा, इग्नाइट्स द माइंड एंड टचेस द हार्ट इज अ लीडर। लेकिन वो कब होगा? समवन हु मेक्स पॉजिटिविटी। अच्छा, एक बच्चे ने जवाब दिया। यस, who takes responsibility? Yes, जो घटना का पहले अनुमान लगा देता है। A leader is the one, बहुत सुंदर डिफाइन किया है, A leader is the one who never reacts। वो जल्दी रिएक्शन में नहीं आता है, नेगेटिव भावनाओं को उत्पन्न नहीं कर देता है। बट ऑब्जर्व, लेकिन पहले वो देखता है सिचुएशन को, एनालाइज करता है एंड देन एक्ट्स डिसाइसिवली। और उसके बाद वो एक सही डिसीशन लेकर के अपने प्रत्युत्तर को बाहर निकालता है। तो लीडर इज द वन हु नेवर रिएक्ट्स बट ऑब्जर्व्स, एनालाइजेस एंड देन एक्ट्स डिसाइसिवली। जब वो विपरीत परिस्थितियों में भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स दे सकता है और उस पॉजिटिव रिस्पॉन्स से पॉजिटिव बिहेवियर, वो जब जाकर के उस घटना में शामिल होता है तो ये घटना उलझेगी या सुलझेगी? सुलझेगी। और कभी कभी तो इतना सरल रीति से सुलझ जाती है जो देखने वाले के हार्ट को तब टच होता है, माइंड को इग्नाइट होता है कि इतना सरल था, पता ही नहीं चला। और ये व्यक्ति में जरूर कोई बात है, नहीं तो आज दूसरा कोई उसकी जगह होता था तो बहुत रिएक्ट करता था। स्वामी विवेकानंद के जीवन की वो बात याद आती है कि जब वो अमेरिका चले गए, जहां गीता शास्त्र का अपमान हुआ, सबसे नीचे गीता को रखा गया, सारे धर्म पुस्तक उसके ऊपर रखे गए और टॉप पर बाइबल को रखा, और सारी सभा के बीच में मजाक उड़ाया गया कि आपकी गीता आउटडेटेड है, हमारी बाइबल अभी टॉप पर है। आज की दुनिया का कोई व्यक्ति अगर होता था क्या करता था? रिएक्ट करता था। लेकिन स्वामी विवेकानंद एक लीडर था जिसने अनेकों हृदयों को छुआ था, और उन्होंने क्या किया, वो मुस्कुराए, आगे बढ़ा और कहा, आपने जो गीता का सम्मान किया है उसका धन्यवाद मैं कैसे करूं? लोग हंसने लगे, ये व्यक्ति को इतना भी पता नहीं है कि अपमान किया या सम्मान किया। स्वामी विवेकानंद आगे बढ़ करके गीता को नीचे से खींचा, सारे शास्त्र गिर गए, कहा आपने तो गीता को आधार बना दिया, आज गीता अगर न होती तो दुनिया का कोई धर्म कोई शास्त्र टिक नहीं सकता, और सारे लोगों का आकर्षण का केंद्र बन गया, ये कौन व्यक्ति है? इसलिए कहा आज की दुनिया के लोग बहुत जल्दी रिएक्शन में आ जाते हैं, लेकिन जो लीडर होगा वो जल्दी रिएक्ट नहीं करेगा, सिचुएशन को ऑब्जर्व करेगा, एनालाइज करेगा और उसके बाद
एक ऐसा डिसीजन लेता है, दोज हु कैन मेक अ डिफरेंस इन द लाइफ ऑफ अदर्स ऑल्सो, कि लोगों के एटीट्यूड्स बदल गए, लोग उसके पीछे पीछे चलने लगे, ये कौन है? एक साधारण नरेंद्र अगर स्वामी विवेकानंद बन सकता है तो हम नहीं बन सकते। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए आध्यात्मिक सूझ चाहिए। अगर आध्यात्मिकता जीवन में नहीं है, आध्यात्मिक सूझ अगर नहीं है, तभी तो व्यक्ति रिएक्ट करता है। जल्दी रिएक्शन में वही व्यक्ति आ जाता है जिसके पास आध्यात्मिक सूझ नहीं है। इसलिए आध्यात्मिकता ये जीवन के अंदर एक खूटती कड़ी हो गई है। अगर लीडर बनना चाहते हैं तो आध्यात्मिक सूझ को अपने जीवन में अपनाना होगा, क्योंकि तब एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स से हम एक पहाड़ जैसी परिस्थिति को भी राई समान बना देते हैं, और राई समान बना करके अनेक लोगों को इंस्पायर कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने इसी आधार पर तो इंस्पायर किया लोगों को, कि लोग गीता को समझना चाहने लगे, कैसी क्या खास बात है इस गीता के अंदर। और आज इसलिए संसार के अंदर गीता को जितनी भाषाओं में ट्रांसलेट किया गया है उतना और किसी पुस्तक को नहीं किया गया है। कहने का भावार्थ कि लोगों के जीवन में एक डिफरेंस अगर आया तो उसका कारण था आध्यात्मिक सूझ। अगर यही आध्यात्मिक सूझ नहीं होती थी तो क्या हो जाता था? हंगामा हो जाता था, लड़ाई झगड़ा हो जाता था, और वो लड़ाई झगड़े को लेकर के पूरा राजस्थान जलने लगा था, है ना? विश्व के न्यूज चैनल्स पर आ गया राजस्थान के इतना हंगामा। नहीं तो जो राजस्थान के लिए कभी सोच नहीं सकते थे, कुछ दिन पहले हमारे परिचित एक व्यक्ति अमरनाथ की यात्रा पर जा रहे थे, तो वहां सबकी गाड़ियों को चेक करते हैं कहीं कोई हथियार आदि तो नहीं है ये सोच करके। लेकिन वो परिचित व्यक्ति ने आकर के अपना अनुभव सुनाया कि जैसे ही गाड़ी के ऊपर आरजे देखा, कहा ये राजस्थानी लोग बड़े शांति प्रिय लोग हैं, इनके यहां कुछ नहीं मिलेगा, जाने दो गाड़ी, जाने दो। ये राजस्थान के प्रति एक इमेज थी, लेकिन आज वो राजस्थान क्या हो गया? रिएक्शन। और वो रिएक्शन के कारण जो एक राजा जैसा स्थान था उसे कहां आ गए? नीचे आ गए। क्योंकि एक हफ्ते के अंदर ही कहा कि जब हम गए तब हमारे लिए लोगों ने इस दृष्टिकोण को अपनाया, ये आरजे की गाड़ी राजस्थान वाले हैं, इनके अंदर हिंसात्मक वृत्ति नहीं है, उनको जाने दो। और एक हफ्ते के बाद हिंसा की इतनी आग भड़क उठती है, कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि राजस्थान में ऐसा हो सकता है। कहने का भावार्थ जो लीडरशिप क्वालिटी थी, लेकिन आज क्या होने लगा? प्रभाव, अनेक बातों का प्रभाव पड़ने लगा, और वो लीडरशिप क्वालिटी शायद जाने लगी है। इसलिए हमें अपने आप को फिर से क्या करना पड़ेगा? उस संस्कृति को वापस बचा के रखना होगा। और यही लीडर्स का कार्य है कि ऐसी जागृति ले आए जो नेगेटिव रिएक्शन में ना आए, लेकिन पॉजिटिवली हर बात को हम सुलझा सके। लेकिन उसके लिए कौन सी एबिलिटीज, कौन सी क्षमताएं आवश्यक है, और वो क्षमताएं और वो एटीट्यूड्स किस प्रकार के होने चाहिए, उसको हम देखेंगे। कि मुख्य रूप से लीडर्स के अंदर 8 क्षमताएं विशेष उसको एक लीडर बना देती है। और वो 8 क्षमताएं कौन सी है जिसको हम इस चार्ट के रूप में देखेंगे,
leadership attitudes and abilities. उसमें सबसे पहली क्षमता एक लीडर के अंदर कौन सी होनी चाहिए? क्या समझते हैं? Yes? परखने की क्षमता. श्री कृष्ण को हम कहेंगे he was a leader, है ना? श्री कृष्ण was a leader. कौन सी उसमें ऐसी विशेष क्षमता थी? हाँ? हंड्रेड परसेंट अट्रैक्शन. कौन सी बात का अट्रैक्शन था? पॉजिटिविटी. श्री कृष्ण के अंदर सबसे पहली क्षमता अगर थी तो वो था लिसनिंग एबिलिटी. लिसनिंग पावर थी उसके अंदर, सुनने की शक्ति. जल्दी रिएक्शन में नहीं आता था, इसलिए कहा लीडर इज अ वन हु नेवर रिएक्ट्स. जब पहले अध्याय के अंदर अर्जुन ने अपनी मनोदशा सुनाने का आरंभ किया, श्री कृष्ण बड़े प्यार से सुनते रहे उसकी एक एक बात, मुस्कुराते रहे, सुनते गए उसकी भावनाओं को, उसको बीच में टोका नहीं. जब उसने पूरा सुना लिया तो इतनी धैर्यता रखना और सुनना ये बहुत बड़ी बात है. उसके बाद गाइड करना. हम लोग क्या करते हैं, बीच में ही काट देते हैं. कोई सुनाना चाह रहा होता है, अपनी मनोव्यथा व्यक्त करना चाह रहा होता है, उसने आपके अंदर कुछ ऐसी बात देखी है, आपसे कुछ प्रेरणा प्राप्त करना चाह रहा है, इसीलिए तो आपको सुनाने आया है. नहीं तो आता ही नहीं था. उसको कोई विश्वास है, कुछ भावनाएं हैं आपके प्रति, तभी वो आपको सुनाना चाहता है. लेकिन हम सुनना ही नहीं चाहते. पता है हमें पता है ना. ये एटीट्यूड अपना लेते हैं. श्री कृष्ण ने ये एटीट्यूड नहीं अपनाया. पता है तुम बंद करो अपना, मैं सुनाता हूं वो सुनो, नहीं. उसने पहला अध्याय कि जो भी बातें अर्जुन की थी वो जानता था, और जानते हुए भी वो सुनता रहा. दूसरे अध्याय के भी कम से कम पहले 10 श्लोक फिर भी वो सुनाता रहा, सुनता रहा श्री कृष्ण. जब उसको पूछा अब खाली हो गया तुम कि और भी कुछ बाकी है, उसके बाद उसने उसको गाइड करना शुरू किया. तो जल्दी रिएक्शन में नहीं आना. लीडर की सबसे पहली क्षमता है ही हैज अ ग्रेट लिसनिंग एबिलिटी. ग्रेट लिसनिंग एबिलिटी, सुनने की क्षमता उसकी बहुत पावरफुल होती है, जो उसको लीडर बना देती है. लेकिन हम लोगों में सुनने की शक्ति कितनी है? आरसीएम वालों में है? Yes. सुनने की शक्ति है? Yes. टेस्ट लेवे हम? ठीक है, आप सबके पास नोटबुक पेंसिल तो है ना? Yes. एक लकीर खींचिए. सभी ने खींच लिया लकीर? Yes. अब अपने पहले नाम के पहले और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड. लिखा? अच्छा, कितनों ने पहला अक्षर यहां लिखा, लास्ट अक्षर यहां लिखा? जस्ट रेज योर हैंड्स. अच्छा, कितनों ने पहला और आखिरी यहां लिखा, पहला और आखिरी यहां लिखा? दो दो लिखा, दो दो लिखे, चार चार अक्षर लिखा, दो चार. हमने क्या कहा था? हमने क्या कहा था कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. कहा था हमने?
अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, कहा था हमने, तो कितना लिखना चाहिए? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड. इतना स्पेसिफिक थे हम. क्या किया आपने? गलत किया. प्रॉब्लम कहां था, आपके तरफ या मेरे तरफ? क्यों, सुनने की शक्ति खत्म हो गई थी क्या? समझने की शक्ति नहीं है? अरे सब समझदार लोग बैठे हैं, मैंने तो यही समझा था कि आरसीएम माना समझदार लोग है. आप अपने हिसाब से सारे एक जैसा ही समझा. हाँ, एक दो मिसअंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, लेकिन एक दो ही समझ सकते हैं, बाकी सब मिसअंडरस्टैंडिंग करे. या आरसीएम वालों की मेंटल फ्रीक्वेंसी एक लेवल पर ही काम करती है, ऐसा क्या कहेंगे? प्रॉब्लम कहां था, आपके तरफ या हमारे तरफ? जल्दी रिएक्ट किया, सुना नहीं. इतना सिंपल सेंटेंस था जिसके दो मतलब भी नहीं निकलते हैं, एक ही. हाँ, कभी कभी कोई कोई ऐसे सेंटेंस होते हैं जिसके दो भाव भी निकलते हैं, लेकिन ये तो इतना सिंपल सेंटेंस जिसका एक ही मतलब निकलता है कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. घुमाकर कहा गया ऐसा? घुमाकर कहा गया है ना? इसलिए कहा जाता हमेशा एक परिवार से बच के रहना, और वो परिवार में सबसे पहले आती है मिसअंडरस्टैंडिंग. She is always first to enter anybody's life. गलत फहमी क्रिएट हो जाती है. But she is never alone. वो अकेले कभी नहीं आती है. उसका companion Mr. Doubt हमेशा उसके साथ होता है. शंका कुशंका, जैसे भाई को तुरंत शंका आई, कहीं तो ट्रिक है, नहीं तो हम समझदार लोग हैं, हम ये ऐसी गलती करें, ऐसा हो नहीं सकता है, तो जरूर कोई बात है ना? अब डाउट आया, और मुझे भी डाउट आ रहा है कि इसका मतलब सुबह से जितने सेशन आपके हुए कितना समझा होगा और कितना नहीं समझा होगा. क्या कहेंगे, मिसअंडरस्टैंड तो नहीं कर लिया? सही में समझा? सुबह से लेकर के जितने लेक्चर्स चले, तीन लेक्चर्स तो हो गए ना, तो कितना समझा? और जहां ये दोनों है ना, वहां उनके चार क्रिएशन साथ साथ चलते हैं. कौन सी ये चार क्रिएशन? मास्टर जेलसी, ईर्ष्या आती है. उसके बाद मास्टर हेट्रेड, नफरत आने लगती है. उसके बाद गुस्सा आता है, मास्टर एंगर. और उसके बाद भारत की नेशनल गेम कौन सी है? हर जगह जो खेली जाती है, लेग पुलिंग, टांगे खींचने की. तो इसलिए कहा ये परिवार जहां जाता है ना, इकट्ठा ही जाता है. अगर और थोड़ा खींचे इस बात को, तो शायद आप मेरी टांग खींचना भी शुरू कर दूंगी, है ना? डाउट तक तो पहुंच गया, इसलिए आगे न बढ़े तो यहीं रोक लेते हैं. क्योंकि अगर मेजॉरिटी ने मिसअंडरस्टैंडिंग किया है, तो जरूर कुछ प्रॉब्लम तो मेरा भी होगा, है ना? प्रॉब्लम कहां था जानना चाहोगे? हमने जब कहा तो आप सुन नहीं रहे थे,
इसीलिए मैंने पहले ही पूछा, सुनने की शक्ति है? अगर एक सिंपल सेंटेंस सुनने की शक्ति नहीं है, जब मैं बोल रही थी तब आप सुन नहीं रहे थे, क्योंकि अगर सुना होता था तो इतना सिंपल सेंटेंस है जो मिसअंडरस्टैंडिंग हो ही नहीं सकता है. क्लियर है मैसेज? राइट द फर्स्ट एंड द लास्ट लेटर ऑफ योर फर्स्ट नेम एट ईच एंड. अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो, है ना? लेकिन आप सुन नहीं रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? ओवर कॉन्फिडेंस में शायद थे कि हम लीडर्स है ही है, लेकिन अब पता चला लीडर नहीं है, लीडर बनना है, है ना? लीडर है नहीं, क्योंकि लीडर के अंदर तो सबसे पहली सुनने की शक्ति होती. आप क्या कर रहे थे? आप मुझे देख रहे थे. और हम क्या कर रहे थे? हम बोलने में बहुत क्लियर थे, लेकिन उसके साथ मेरी बॉडी लैंग्वेज जो थी कुछ और कह रही थी. हम कह रहे थे कि अपने पहले नाम का पहला और आखिरी अक्षर दोनों तरफ लिखो. आपने इसको देखा और इसलिए सुना नहीं, आपने इसको देख करके आपने समझ लिया. और ये एक अंगुली ने इतने लोगों को मिसगाइड कर दिया, है ना? तो लीडर्स कभी मिसगाइड नहीं होते हैं, लीडर्स कभी मिसगाइड नहीं होते हैं, उनके पास एक्यूरेट सुनने की शक्ति होती है. क्योंकि आज दुनिया के अंदर कई बार कहा जाता था कि देखने से विश्वास होता है, लेकिन देखने से मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, है ना? आजकल लोग मोबाइल पर भी बात करते हैं ना, सामने वाला देखता नहीं तो भी बॉडी लैंग्वेज को यूज करते हैं, और तीसरा व्यक्ति दूर खड़ा होकर वो सुन नहीं रहा है, वो बॉडी लैंग्वेज को देख करके समझने का प्रयत्न करता है. वही बात है, वही बात है. और जाकर के तीसरे किसी को, अरे वही बात मैं अभी सुन के आया ना, मैंने प्रत्यक्ष अपनी आंखों से देखा ना. और जब वो बात घूमते 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 आपके पास आती है, आप सोचते मैंने ये बात कही नहीं, तब दूसरा कहने लगता है, अरे आग के बिना धुआं थोड़ी निकलता है, अगर बात आई है तो कुछ तो हुई होंगी, लेकिन यहां तो बिना आग के ही धुआं निकलता है, है ना? तो लीडर्स माना जो अपनी बॉडी लैंग्वेज और वर्बल लैंग्वेज दोनों को एक करता है और उसके तरफ उसका अटेंशन होता है. नहीं तो आप जो कन्वे करना चाह रहे हैं वो बहुत बड़ी गलत फहमी भी क्रिएट कर सकता है. तो लीडर्स कभी भी गलत फहमी क्रिएट नहीं करता है. इसलिए सबसे पहली अगर क्षमता लीडर की है तो वह है सुनने की शक्ति. तो अब तो मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होगा ना? नहीं होगा बिल्कुल. दूसरी परीक्षा ले तो उसमें पास हो जाएंगे. खैर अभी हम लेंगे नहीं, आगे समय आने पर ले लेंगे. लेकिन सुनने की शक्ति के साथ दूसरी शक्ति भी चाहिए, और वह है अवेलेबिलिटी. मानसिक उपस्थिति, मेंटल अवेलेबिलिटी. कई बार फिजिकल अवेलेबिलिटी होती है, व्यक्ति वहां खड़ा है, लेकिन मेंटली ही इज नॉट प्रेजेंट. इसलिए जो व्यक्ति सुनाने वाला सुना रहा है लेकिन एक भी चीज अंदर गई नहीं, वो अपने ही ख्यालों में भटक रहा है. तो इसलिए लीडर मस्ट बी मेंटली अवेलेबल, कि जिसको लेकर के वो पूरा मैसेज कैच कर सके. अगर मेंटल अवेलेबिलिटी नहीं है तब भी हम पूरा मैसेज कैच नहीं कर सकते. और काफी इंपॉर्टेंट मैसेजेस या इंफॉर्मेशन मिस हो जाएगी, और उसके बाद जब डिसीशन लेने का समय आएगा तब आपके पास वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि आपने लिया ही नहीं है. तो इसलिए सुनने की शक्ति के साथ साथ मेंटल अवेलेबिलिटी बहुत आवश्यक है. दोनों का बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि उसी के आधार पर जो दूसरी क्षमता है
जब लिसनिंग पावर है तो डिसर्निंग पावर, लिसनिंग एबिलिटी अंदर में है तो व्यक्ति के पास पूरा मैसेज आता है, जिससे सही क्या है गलत क्या है उसको पहचान कर सकता है, परख सकता है। और यही परख शक्ति डिसीशंस लेने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होती है। और मेंटल अवेलेबिलिटी है उसकी, तो उस अवेलेबिलिटी के कारण वो सही डिसीशंस ले सकता है। तो उसकी डिसीशन मेकिंग एबिलिटी बहुत पावरफुल है। लीडर्स आर दोज हु टेक एक्यूरेट डिसीशंस एट द राइट टाइम। समय पर वह सही डिसीशंस लेते हैं। क्यों? क्योंकि नहीं तो आज के युग के अंदर इतना कंपटीशन है कि ये कंपटीशन में सरवाइव होने के लिए अगर समय पर एक्यूरेट डिसीशन नहीं लिया गया तो फेलियर है व्यक्ति। तो इसलिए ये दो क्षमता को लेकर के ये दो पावर्स व्यक्ति के पास स्वतः आ जाते हैं। उसके साथ साथ एक और क्षमता, वो है टॉलरेंस पावर, सहनशीलता। वो क्षमता व्यक्ति के अंदर होनी चाहिए, क्योंकि समय प्रति समय, समय इस प्रकार आता जा रहा है कि लोग अपनी कमजोरियों के कारण कभी कभी बहुत कुछ बोल देते हैं जो बोलना नहीं चाहिए होता है, बाद में महसूस करते हैं, रियलाइज करते, सॉरी करते हैं। लेकिन अगर उस वक्त सहन करने की शक्ति नहीं होती है और हम भी उसके साथ रिएक्शन में आ जाते हैं तो हमेशा के लिए संबंध हमारे टूट जाते हैं। इसलिए लीडर इज द वन के जो कभी संबंध तोड़ना नहीं जानता है, संबंध बनाना जानता है। और उसके लिए कई चीजें उसको लेट गो करनी पड़े तो कर देता है, सहन करना पड़े तो कर लेता है। यह उसकी विशेष शक्ति रहती है। लेकिन उसके साथ साथ एक और पावर चाहिए जिसको कहते हैं एडाप्टेबिलिटी। एडाप्टेबिलिटी माना फ्लेक्सिबिलिटी, समय स्थान व्यक्ति परिस्थिति को देखते हुए वो अपने आप को एडाप्ट कर ले, एडजस्ट कर ले। तो मेंटल अवेलेबिलिटी जहां है तो कई बार फालतू बातें सहन भी करनी पड़ती है, सुननी भी पड़ती है, और फ्लेक्सिबल होना पड़ता है उसके साथ, क्योंकि तभी व्यक्ति उसको परख सकता है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, सच्चाई क्या है झूठ क्या है, ये सब अच्छी तरह से डिसर्न कर सकता है, क्योंकि तभी वो डिसीशन सही ले सकता है। इसीलिए ये आपस में सभी बातों का कनेक्शन है और वही एक व्यक्ति को संपूर्ण लीडर बनाती है जो दूसरे को भी प्रेरणा दे सकता है। क्योंकि यही सहन शक्ति को लेकर के वो सामना कर सकता है या रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम हो जाता है। He is the one who can take up responsibility, जिसके अंदर सहन करने की शक्ति है। इसलिए दुनिया के अंदर जितने भी महान आत्माएं हो गए, उनकी महानता का आधार उनकी सहन शक्ति थी, तभी वो समाज को सुधारने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, अनेकों को प्रेरणा देने की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके। और जितनी उसके अंदर एबिलिटी एडाप्टेबिलिटी होती है, उन एडाप्टेबिलिटी के आधार पर वो एक टीम स्पिरिट क्रिएट कर सकता है। इज एबल टू क्रिएट अ टीम स्पिरिट, एक टीम अपनी बना सकता है। और टीम बनाने के लिए अगेन ही हैज टू हैव द लिसनिंग एबिलिटी। जो व्यक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए सक्षम है उसी को लोग मदद करेंगे। और डिसीशंस जब लेते हैं तो उसके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की ताकत भी होनी चाहिए जो डिसीशंस लिया उसको। तो ये आठों शक्ति क्षमता व्यक्ति के अंदर जब है तब व्यक्ति अपने आप को एक लीडर बना सकता है। एडाप्टेबिलिटी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर समय स्थान परिस्थिति व्यक्ति को देख करके
उसकी एबिलिटी को समझते हुए वो अपने आप को अडॉप्ट नहीं कर पाए, तब भी शायद उसको बहुत नुकसान भोगना पड़ता है। लेकिन एडाप्टेबिलिटी बहुत अच्छा गुण है, लेकिन कहाँ ये मैच्योरिटी होनी चाहिए कि कहाँ मुझे उसको यूज करना है। नहीं तो जैसे एक मेंढक होता है ना, मेंढक के पास इतनी अच्छी क्षमता है कि वह अपनी बॉडी टेम्परेचर को बाहर के टेम्परेचर के साथ अडाप्ट कर लेता है। उसको पानी में डालो, वहां भी अपने बॉडी टेम्परेचर को अडाप्ट कर लेता है। पानी से बाहर निकालो तो भी अपने बॉडी टेम्परेचर को अडाप्ट कर लेता है। एक बार एक व्यक्ति ने एक ठंडे पानी की पतीली लिया, उसके अंदर वो मेंढक को रख दिया। मेंढक ने सोचा मुझे तो आता है, दिस इज नो प्रॉब्लम फॉर मी। उसने अपने बॉडी टेम्परेचर को अडाप्ट कर लिया। फिर वो व्यक्ति ने वो पतीले को उठा करके स्टोव पर रखा और धीमी आंच पर उस पानी को गर्म करना आरंभ किया। जैसे पानी गर्म होता जा रहा था, द फ्रॉग थॉट हिमसेल्फ टू बी सो क्लेवर, आई नो हाउ टू एडजस्ट, आई नो हाउ टू अडॉप्ट माई बॉडी टेम्परेचर, नो प्रॉब्लम। और वो अपने बॉडी टेम्परेचर को अडॉप्ट करता गया, वहां तक कि पानी उबलने की तैयारी पर था। एंड देन ही हैड नो पावर टू अडॉप्ट हिमसेल्फ, और सारी शक्ति तो उसने अडॉप्ट करने में लगा दी, अब बाहर कूदने की भी ताकत नहीं थी। सो अल्टीमेटली ही इज बॉइल्ड टू डेथ, मर जाता है। ठीक इसी प्रकार इस वंडरफुल कैपेसिटी के साथ आज का इंसान है। कहां नहीं एडजस्ट करना पड़ता है, परिवार में एडजस्ट करो, समाज में एडजस्ट करो, कार्य क्षेत्र पर एडजस्ट करो, और एडजस्ट करते करते हम भी इतने माहिर हो गए हैं वो मेंढक की तरह कि अब हमने परिस्थितियों के साथ भी एडजस्ट करना सीख लिया, तनाव के साथ भी एडजस्ट करना सीख लिया कि तनाव के बिना जीवन नहीं होता, एडजस्ट। प्रॉब्लम्स तो आएंगे ही, प्रॉब्लम्स के बिना जीवन नहीं होता, एडजस्ट, और एडजस्ट करने लगे। और कभी कभी वो परिस्थिति धीरे धीरे बॉइल होने लगती है और हम एडजस्ट करते जाते, आई नो हाउ टू एडजस्ट, नो प्रॉब्लम, और हम एडजस्ट करते रहते हैं। और वो परिस्थिति जब उबलने की तैयारी पर होती है और उसके बाद उसमें बाहर कूदने की ताकत नहीं होती है, एंड देन फाइनली ही ऑल्सो बिकम्स अ विक्टिम ऑफ सिचुएशंस, वो परिस्थिति का शिकार बन जाता है और शिकार बन करके खत्म हो जाता है, उसका अस्तित्व नष्ट हो जाता है। तो इसलिए कब एडजस्ट करना है, कहां एडजस्ट करना है, कितना एडजस्ट करना है, किस विधि से करना है, ये बहुत आवश्यक है। एडजस्टमेंट बहुत अच्छी क्वालिटी है, लेकिन अगर समझदारी नहीं है तो भी हम परिस्थितियों के शिकार बन जाते हैं। इसलिए ये सारी क्षमताओं को विकसित करने के लिए टूल्स टू सक्सेस, सफलता के यंत्र कौन से हैं, वैल्यूज बहुत आवश्यक है। इन सभी का कनेक्शन वैल्यूज के साथ जुड़ा हुआ है। लिसनिंग पावर के लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, व्यक्ति सुनने की शक्ति कब रख सकता है, उसके लिए कौन सी वैल्यू चाहिए उसको, हाँ, पेशेंस चाहिए, पेशेंस, धैर्यता चाहिए, गंभीरता, धैर्यता बहुत आवश्यक है। और धैर्यता रखते हुए जब वो सुनता है तो उसको पूरी इंफॉर्मेशन प्राप्त होती है। मेंटल अवेलेबिलिटी कब डेवलप हो सकती है, उसके लिए कौन सी वैल्यू चाहिए, फोकस ठीक होना चाहिए, यस, कॉन्सेंट्रेशन, और व्यक्ति को मेंटली अवेलेबल कौन सी चीज रहने नहीं देती है,
What does not allow us to keep ourselves mentally available? Tanav, tension nahi. Ego. Ego usko available hone nahi deta hai, kyunki wo samajhta hai, mujhe malum hai na. Ye uska ego hai. Isliye mentally available rehne ke liye usko humility, namrata ka gun avashyak hai. Jitna vyakti nirman hota hai, utne wo apne mansik uplabdhi vahan banaye rakh sakta hai. Agar vyakti ke andar apna ego hai, to bhale wo available hai, lekin ek bhi cheez uske andar ja nahi rahi hai. To isiliye mentally availability ke liye humility ka gun, namrata ka gun bahut avashyak hai. Tolerance kab kar payenge? Sahan shakti kab apne andar viksit kar sakenge? Kaun sa gun chahiye uske liye? Aaj ek maa apne bacche ki har harkat ko sahan kar sakti hai. Kab? Pyar ki kshamta ke aadhar. There is love. Wherever there is love, sahan shakti badh jati. लेकिन जहां प्यार नहीं होगा उसकी छोटी हरकत भी सहन नहीं होती है, है ना? और इसीलिए एडाप्टेबिलिटी भी वहां आती है. लेकिन एडाप्टेबिलिटी के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? कौन सा गुण चाहिए? कौन सा वैल्यू चाहिए एडाप्टेबिलिटी के लिए? कम्युनिकेशन स्किल ना, समझदारी, मैच्योरिटी चाहिए. कहाँ, कितना, कैसे, ये मैच्योरिटी अगर नहीं है, समझदारी अगर नहीं है, तो व्यक्ति कर नहीं सकता है. जितनी व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी है, उस मैच्योरिटी के आधार पर फ्लेक्सिबल वो बनता है. क्योंकि फ्लेक्सिबल जो बनना है वो भी समझदारी से बनना है. ये नहीं कि परिस्थितियों के शिकार हो जाए हम, है ना? तो कब, कहाँ, कैसे, किस विधि से, किसके सामने, ये मैच्योरिटी बहुत जरूरी है. उसके बाद डिसर्निंग एबिलिटी के लिए कौन सा चाहिए? ऑब्जर्वेशन. उसके लिए क्लियर फोकस चाहिए. फोकस क्लियर होना चाहिए. धुंधलापन अगर होगा तो वो देख ही नहीं पाएगा कि सही क्या है, गलत क्या है. अगर उसकी बुद्धि प्रभावित है किसी बातों के, किसी व्यक्ति के, तो भी उसका फोकस क्लियर नहीं होता है. और फोकस अगर क्लियर नहीं है तो व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता सही क्या है, गलत क्या है. डिसीशन के लिए, डिसीशंस लेने के लिए क्या चाहिए? कौन सा गुण चाहिए? एक तराजू है. तराजू सही डिसीशन कब लेता है? जब बीच का कांटा एकाग्र होता है, कॉन्सेंट्रेशन. जब हमारी बुद्धि का कांटा भी कॉन्सेंट्रेटेड है, या दूसरे शब्द में कहे तो मेंटल स्टेबिलिटी. जितना व्यक्ति मानसिक रूप से स्टेबल है उतना उसका डिसीशन एक्यूरेट होगा. रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की शक्ति उसके अंदर कब आएंगी? जब उसके अंदर कौन सी क्वालिटी होंगी? रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए कौन सी वैल्यूज चाहिए? निर्भयता, फियरलेसनेस. अगर डरपोक है तो वो कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा ही नहीं सकता है. तो निर्भयता व्यक्ति के अंदर बहुत जरूरी है, कोई भी कार्य की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने के लिए. और टीम स्पिरिट क्रिएट करने के लिए कौन सा वैल्यू चाहिए? कोऑपरेशन, सहयोग. जितना सहयोग देंगे उतना सहयोग प्राप्त होगा. तो ये आठों क्षमता के लिए आठ वैल्यूज बहुत आवश्यक है.
जो व्यक्ति को लीडर बनाती है. अ लीडर इज द वन, दूसरा डेफिनेशन है, जिसकी बीइंग एंड डूइंग कैपेसिटी बैलेंस्ड है. हम सभी ह्यूमन बीइंग्स हैं, बट हार्डली वी नो हाउ टू बी. वी आर मोर ऑफ ह्यूमन डूइंग्स देन ह्यूमन बीइंग्स. तो बीइंग कब बन सकते हैं, डूइंग कब हमारा व्यवस्थित होगा, उसके बीच में जो बैलेंस चाहिए वो बैलेंस कब रह सकता है, तो उसके लिए ये जो क्षमताएं हैं, जो वैल्यूज है, उन वैल्यूज को, क्षमताओं को सही रूप में बैलेंस करने की आवश्यकता है. ये चार जो कैपेसिटी है, इसको अगर आधा कर दे हम यहां से, तो ये चार क्षमता, दिस इज व्हाट ही हैज टू बी, ये उसको करना है. और ये चार जो है, दिस इज व्हाट ही हैज टू डू, ये उसकी डूइंग कैपेसिटी है, ये उसकी बीइंग कैपेसिटी. जब तक ही डज नॉट हैव द लिसनिंग एबिलिटी, इज नॉट अ गुड लिसनर, ही हैज टू बी अ गुड लिसनर, एंड इफ ही कैन नॉट बी अ गुड लिसनर, ही कैन नॉट फोकस, ही कैन नॉट डिसर्न व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. ये उसको करना है, सही गलत क्या है, नेर क्षीर क्या है, उसके बीच में पहचान करनी है, तो ये उसका कर्म है. लेकिन ये कर्म करने के लिए ये क्षमता जरूरी है. दिस इज व्हाट ही हैज टू बी. सो ही हैज टू बी अ गुड लिसनर, देन ओनली ही कैन फोकस हिज माइंड एंड डिसर्न व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग. He has to keep himself mentally available, then only he can take decision. Decision ये कार्य है, ये कर्म है. लेकिन ये करने के लिए उसको क्या बनना पड़ेगा, mentally available रहना पड़ेगा. जब तक उसके अंदर सहन शक्ति नहीं है, तब तक responsibility उठा नहीं सकता है. तो ये उसका कार्य है, लेकिन उसके लिए उसको ये बनना पड़ेगा. और अडॉप्ट होने के लिए ये बनेगा, तब वो टीम स्पिरिट को क्रिएट कर सकेगा. ये करने की चीज है, तो ये बनेगा तब ये कर सकेगा. सो ही हैज टू बी एंड ही हैज टू डू. खाली करना है ये नहीं, बनना भी है. और जब तक वो बनेगा नहीं, तब तक करने की क्षमता उसके अंदर आएगी नहीं. इसलिए सर्वप्रथम He has to be a good leader, then he can carry out. क्योंकि a leader is always in the front of the place. कोई भी gathering में प्रथम रहेगा और तब लोग उसके पीछे पीछे चलेंगे. ये नहीं कि वो पीछे रहेगा और लोगों को धक्का मारेगा, जाओ नहीं, वो साथ में रह करके सबको खींचता हुआ चलेगा, रास्ता बनाएगा. तो इसलिए कहा, फर्स्ट ही हैज टू बी एंड देन ही कैन डू. जब वो बनता है तो लोगों का विश्वास जीत सकता है. लेकिन ये चीजें, ये सारी क्षमताएं हमारे अंदर है, ऐसे नहीं कि नहीं है, है हमारे अंदर, लेकिन दिन भर में फ्लक्चुएट बहुत होते हैं. सुबह जब व्यक्ति उठता है ना, उस समय उसके सुनने की शक्ति कितनी होती है, मैक्सिमम होती है ना. अगर ये लाइन को हम एक स्केल के रूप में डिवाइड करें 10, तो सुबह में व्यक्ति की सुनने की क्षमता कितनी होती है, मैक्सिमम मे बी 8 पॉइंट है ना, उसके सुनने की शक्ति होगी. मेंटली अवेलेबल भी वो अपने आप को रख सकता है, वो भी मैक्सिमम होगा. टॉलरेंस पावर भी मैक्सिमम होगा. सारी क्षमताएं मैक्सिमम होती है, एक बड़ा सर्कल उसका बनता है. लेकिन एक हेक्टिक डे के बाद शाम को उसकी सुनने की शक्ति कितनी होती है, हाँ, माइनस में हो जाती है या नील हो जाती है.
है ही नहीं, और इसलिए जल्दी रिएक्शन कर में आ जाता है। जब ये क्षमता उसकी फुल होती है तो रिएक्शन में नहीं आएगा, तब पॉजिटिव उसका प्रोएक्टिव तरीका होगा कार्य करने का। लेकिन जब उसकी क्षमता नील हो जाती है तब उसका तरीका क्या हो जाता है, रिएक्टिव फोकस बन जाता है, नहीं तो प्रोएक्टिव फोकस होता है। पॉजिटिव फोकस से काम करता है या फिर नेगेटिव। तो सुबह सुबह में इसीलिए लोगों को अगर कुछ कन्विंस करना होता है अपने बड़ों को तो क्या करते, सुबह सुबह उसे बात करो, शाम को नहीं बात करना। शाम को पता नहीं क्या टेंशन हुआ होगा दिन भर में, उसके सुनने की क्षमता है भी या नहीं मालूम नहीं, इसलिए सुबह सुबह उसको बात करेंगे, सुबह उसको मिलेंगे, सुबह में उसके उससे जो करवाना है करवा सकते हैं, है ना। तो कहने का भावार्थ कि हम फ्लक्चुएट करते रहते हैं। सुबह के समय में वी आर वेरी गुड लीडर्स, और क्लॉक वाइज हम चलते हैं, ये हमारा सर्कल जो है ना पूरा क्लॉक वाइज चलता है। वी आर गुड लिसनर्स, वी कीप आवर सेल्फ मेंटली अवेलेबल, वी टॉलरेट ऑल्सो, वी अडाप्ट आवर सेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, व्यक्ति को देख करके वी आर एबल टू डिसर्न एंड टेक गुड डिसीशंस, वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड वी क्रिएट अ टीम स्पिरिट ऑल्सो बिकॉज ऑफ आर गुड लिसनिंग एबिलिटी। लेकिन शाम के समय जब हमारा रिएक्टिव फोकस हो जाता है एंड वी बिकम अ बैड लीडर। सो हु इज अ बैड लीडर, जो एंटी क्लॉकवाइज चलने लगते हैं। एंटी क्लॉकवाइज माना, यू हैव टू लिसन टू वॉट आई से, आपको मेरी बात सुननी होगी, यू हैव टू कीप योर सेल्फ मेंटली अवेलेबल, है ना, यू हैव टू टॉलरेट वॉट एवर हैपन्स, यू हैव टू अडॉप्ट योर सेल्फ, यू हैव टू डिसर्न द सिचुएशन, क्या सही है गलत है वो आपको डिसाइड करना होगा, एंड यू हैव टू टेक डिसीशंस, यू हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड यू हैव टू क्रिएट योर ओन टीम स्पिरिट, यू हैव टू लिसन टू वॉट आई से, ही इज अ बैड लीडर। अ गुड लीडर, सुबह सुबह में फिर उसके पास जाओ, ही बिकम्स अ गुड लिसनर, यस आई विल लिसन टू वॉट एवर यू से, यस आई विल कीप माई सेल्फ अवेलेबल वेन एवर यू कम, यस आई विल टॉलरेट, यस आई विल अडॉप्ट, यस आई विल डिसर्न, यस आई विल टेक डिसीशंस फॉर यू, यस आई विल बी एबल टू टेक अप रिस्पॉन्सिबिलिटी, यस आई विल क्रिएट अ टीम स्पिरिट। तो दिन भर में हमारा ये फ्लक्चुएशन चलता रहता है, कभी हम गुड लीडर बन जाते हैं, कभी हम बैड लीडर। हाँ, आरसीएम वाले बैड लीडर बनते हैं, हाँ अभी तो बोला आपने। तो अब ये क्षमताओं को विकसित करने से वी ऑलवेज हैव टू बी अ गुड लीडर एंड बी अ गुड सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, वी हैव टू क्रिएट आवर सेल्व्स एंड वी हैव टू टेक अप द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सो मेनी पीपल। तो ये लीडरशिप एटीट्यूड्स एंड एबिलिटीज है, और जितना उसको हम विकसित करना चाहे उतना हम कर सकते हैं, और उसी के आधार पर हम एक गुड लीडर। सो अ लीडर इज अ वन हु नेवर रिएक्ट्स बट ऑब्जर्व्स एनालाइसिस एंड टेक्स एक्यूरेट डिसीशंस कि क्या करना हो उसको, क्या आगे बनना है उसको, कैसे रास्ता बनाना है उसको, वो खुद उसको तय करता है। तो इस क्षमताओं के आधार पर जो हमारे अंदर रही हुई कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों के ऊपर भी हम सहज ही विजयी हो सकते हैं ना? और इसीलिए जब पेशेंस है व्यक्ति के अंदर, शांति है, तो व्यक्ति गुस्से को की कमजोरी को जीत सकता है। जब व्यक्ति के अंदर ह्यूमिलिटी है तो ईगो को जीत सकता है। जब व्यक्ति के अंदर प्रेम है तो वो नफरत को जीत सकता है। जब व्यक्ति के अंदर मैच्योरिटी है तो वो जेलसी को जीत सकता है।
जब व्यक्ति का क्लियर फोकस है तो कंफ्यूजन को जीत सकता है, कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड में नहीं रह सकता है। जब व्यक्ति के पास इनर स्टेबिलिटी है तो वो प्रभावित नहीं हो सकता है, अनेक प्रकार के प्रभावों से, इन्फ्लुएंसेस से मुक्त रह सकता है। जब व्यक्ति के अंदर निर्भयता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने की शक्ति है, तो व्यक्ति अपने अंदर के लगावों को जीत सकता है, अटैचमेंट्स को जीत सकता है। और जब व्यक्ति कोऑपरेट करने लगता है तो व्यक्ति अपने भीतर के अंदर जो रही हुई और वीकनेसेस है उसको भी, आलस्य को या लेजीनेस को जीत सकता है। तो इस प्रकार कई कमजोरियों को जो उसके रास्ते में रोड़ा बनती है, रुकावटें बनती है, ऑब्स्टिकल क्रिएट करती है और उसको लीडर बनने नहीं देती है, वो उन वीकनेसेस को जीत लेता है। और इसी के आधार पर हम सदा ही अपनी जो क्षमता है उसको बड़े सर्कल के रूप में ही विकसित करके रखते हैं, फ्लक्चुएशन में नहीं आते। फ्लक्चुएशन का कारण ही है कमजोरियां, कि जब कमजोरी हमारे मस्तिष्क पर अपना अधिकार प्राप्त कर लेती है तब हमारा सर्कल छोटा हो जाता है कार्य करने का और तब हम बैड लीडर बन जाते। इसीलिए ये कमजोरियों को जीतने के लिए भी ये वैल्यूज ये बहुत मदद करते हैं। ये वैल्यूज जहां है तो वहां व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता जाता है, नहीं तो जब कमजोरी टेक ओवर कर लेता है तो धीरे धीरे वो अच्छा लीडर नहीं बन पाता है। और इसीलिए जब जीवन में सक्सेस नहीं मिलता है, सक्सेस न मिलने कारण निरुत्साही हो जाता है, डिप्रेस्ड हो जाता है, नर्वस हो जाता है और फिर उसके जीवन के अंदर डिप्रेशन आ जाता है। तो टूल्स फॉर सक्सेस क्या है? ये क्षमता को विकसित करने के लिए वैल्यूज है और वो कमजोरियों के ऊपर जीत प्राप्त करनी है। ठीक है, I hope everybody is clear. Yes. Huh? So we end this session here with some silence. संकल्पों के मोती सुख के रचे महल, खुद को
को हम बदले इतना जग ये जाए बदल खुद को हम बदले इतना जग ये जाए बदल आत्मपरि